अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं दाल के कोफ्ते। दाल के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने चने की दाल ली है और मसूर की दाल ली है। ये मैंने आधा आधा कप ली है और इसे मैंने एक घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, 7-8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, यहाँ हरी मिर्चें हैं 3, हरा धनिया है। वीडियो मेरी पूरी वॉच करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या करना है। तो चलें रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अदरक लहसुन और प्याज को पीस लेंगे और एक बोल में निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दाल को भी पीस लेंगे। दाल में पानी ज़्यादा नहीं डालना हमने, दाल हमारी भीगी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, और इसको भी हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। दाल को हमने थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, एकदम सारी दाल डाल के नहीं पीसनी है, वरना वो सही नहीं पीसेगी। ये देखें, इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे और बाकी दाल को भी हम पीस लेंगे। दाल देखें बहुत ही अच्छी हमने इसे मैश कर लिया, पीस लिया, और ये इस तरीके से होनी चाहिए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। हरी मिर्च हमने आपको दिखाई थी, ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, ये बहुत तेज़ हैं, इसके मैंने बीज निकाल के डाले हैं। इसमें हम डालेंगे प्याज, डालेंगे एक छोटी साइज़ की चॉप कर ली है, इसे डालेंगे। बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते बनते हैं। जो लोग दाल नहीं खाते, जो बच्चे दाल नहीं खाते, आप उसको उनको इस तरीके से खिला सकते हैं। नमक डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हम 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम मिर्चें डालेंगे, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम में गरम मसाला डालूंगी। नमक मिर्च आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मसाले के अंदर भी हम लोग मिर्चें डालेंगे, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने फेंटना है, जितना हम फेंटेंगे इतने ही फ्लफी हमारे कोफ्ते बनेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से हमने तकरीबन 5 मिनट इसी तरीके से हमने इसे फेंटना है। ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें अपने कोफ्ते फ्राई करेंगे। इसके अंदर हमने ये अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो 2 टेबलस्पून डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे फेंटेंगे करते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, छोटे बड़े जितने साइज़ के आप बनाना चाहें उस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। मीडियम आंच पे हमने फ्राई करना है, और फ्राई हमने जब करना है देखना है कि ये नीचे से अच्छे से कुक हो गए, फिर हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे इस तरीके से अलग पलट करते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये फ्राई हुए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। बाकी के कोफ्ते भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आधा कप तेल छोड़ा है, इसी में हम ये मसाला डाल देंगे जो अदरक लहसुन और प्याज हमने डाली थी। बाकी के मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चें डालूंगी, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। सब मसालों को हम भूनेंगे। ये मेरे पास पानी है, ये पानी वो है जिसमें मैंने दाल पीसी थी, इसी में मैंने पानी डाल दिया। इसमें शोरबे में अच्छा टेस्ट आ जाएगा, इसी में पानी डाल के मैं और इसे भूनूंगी। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, आधी प्याली हम इसमें दही डाल देंगे। हमने जो ये कोफ्ते बनाए हैं, फ्राई करे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें डाल देंगे। और मैं आपको एक कोफ्ता दिखाती हूँ, ये देखें इतना सॉफ्ट ये बना है, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कोफ्ते। और मसाले में भी हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। मैं गर्म पानी डालूंगी इतना जितना मुझे शोरबा चाहिए, क्योंकि हमारे घर में ज़रा ग्रेवी वाला पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसमें शोरबा करूँगी। बस इतना शोरबा काफ़ी है, क्योंकि कोफ्ते भी हमारे सॉफ्ट हैं, इसमें हम 1 से 2 उबाल आने तक इसे उतार लेंगे। सालन हमारा बन गया है, तैयार हो गया है, और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये कोफ्ते बने हैं, और ये मज़ीद फूल गए हैं।
अगर आपके बच्चे दाल ना खाते हों तो आप इस तरीके से उन्हें खिलाएं। आप इस पॉइंट पर हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। रहमान रहीम, ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा दाल के कोफ्ते तैयार हैं। इस तरीके से आप लोग बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये कोफ्ते हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।